जी क्या हाल चाल जी सबके, होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी के प्रोस एंड कॉन्स, क्यों हमने उस गाड़ी के बारे में सोचा या क्यों लोग उस गाड़ी को इतना लेना पसंद कर रहे हैं। आप एक बार यूट्यूब पर जब सर्च करोगे टॉप 5 कार्स ऑफ अक्टूबर, तो या अगर आप सोचोगे भी इस टॉपिक के बारे में तो आपके मन में क्या आएगा कि या तो नेक्सन सबसे ज़्यादा बिकी होगी या फिर क्रेटा बिकी होगी। क्रेटा नहीं बिकी तो हो सकता है वेन्यू बिकी हो, वेन्यू नहीं तो हो सकता है ग्रैंड विटारा बिकी हो या ब्रेजा बिकी हो, या फिर आपके वैगनार, ऑल्टो या इनमें से कोई गाड़ी दिमाग में आ सकती है। हो सकता है कि एक बार के लिए आपके माइंड में स्विफ्ट आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार की टॉप सेलिंग 5 कार्स में जो पहले नंबर पर गाड़ी है वो गाड़ी है मारुति की अर्टिगा। चाबी की बात कर लेते हैं, ओल्ड स्कूल क्लासिकल चाबी जो आपको सभी गाड़ियों में मिलती है, चाहे आपके पास स्विफ्ट हो, चाहे ब्लेनो हो, चाहे आपके पास इग्निस हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, सब में सेम चाबी मिलती है। अगर आप मिडिल वाला या बेस मॉडल लेते हो, बेस मॉडल में ये चीज़ें भी नहीं मिलती, अगर आप मिडिल वाला भी लेते हो ये भी सेम फीचर सपोर्ट करता है, लॉक अनलॉक, साथ में ये आवाज़ सी आती है, जो क्लासिकल मतलब लॉक सिस्टम है वही मिलता है आपको इसके अंदर भी। सेम सारे फीचर्स जो एक चाबी में पाए जाते हैं, आप साइलेंट करना चाहते हो, आप सायरन बजाना चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो इस चाबी में सेम आप कर सकते हो। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि इस गाड़ी को अब और ज़्यादा कम्फर्टेबल बना दिया गया है। इसके जो सस्पेंशन है आप थोड़े से स्टिफ कह सकते हो उनको, वो स्टिफ होने की वजह से क्या है इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। हाई स्पीड पर अब ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो इससे पहले वाली अर्टिगा थी वो इतनी स्टेबल नहीं थी हाई स्पीड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में दिए जाने वाले फीचर्स के बारे में। स्टेयरिंग वगैरह आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है। ये जो चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि ये इनोवा से कॉपी की गई है, पर फिर भी अगर कॉपी भी की गई है या इंस्पायर भी वहाँ से हुआ है तो वो भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ये एसी वेंट्स के साथ जो डिज़ाइन मैशअप हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा एक अच्छा एंथुजियास्टिक सा लुक देता है। ये गाड़ी हालांकि एंथुजियास्ट लोगों के लिए नहीं है, ये किसी और पर्पज़ के लिए है, पर फिर भी आपको एस्थेटिक फील देने की थोड़ा सा कोशिश करती है। हमारे पास जो मॉडल है ये VXI CNG वाला मॉडल है, इसमें नॉर्मल वाली डिस्प्ले आती है, मैनुअल AC कंट्रोल्स आते हैं, मैनुअल गियर शिफ्टिंग आती है। ये कंपनी की तरफ से लगवाया गया चार्जर है जिसमें दो पॉइंट्स आते हैं, ये वोल्टेज भी साथ साथ बताता रहता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से दिखता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये कौन सा मीटर है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, इसमें 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कुछ लिखा हुआ है, माइनस 5 माइनस 10 कुछ लिखा हुआ है, नीचे ड्राइविंग टाइम आ रहा है। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो यहाँ, ये CNG वाला मीटर है इधर की साइड, और वो वाला फ्यूल वाला मीटर है, ये टैकोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है, ये आपको पता ही है। सेकेंड में ये टाइम के लिए वॉच आ रही है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये मोशन फ्रंट नाम करके कुछ आ रहा है, इसके बाद टॉर्क और पावर गाड़ी कितना निकाल रही है, एक्सेलरेशन या ब्रेक आपको ऑन टाइम मतलब साथ के साथ बताती रहेगी, CNG में कितना चली है गाड़ी, पेट्रोल में कितना चली है, उसका ये रेशो है, CNG इस टाइम टैंक के अंदर कितनी है ये बता रहा है। आप ब्लैंक रख सकते हो या इस मीटर पे भी रख सकते हो। स्टेयरिंग तकरीबन फ्लैट है, बहुत फ्लैट नहीं है, स्विफ्ट की जरा फ्लैट नहीं है पर तकरीबन फ्लैट है। यहाँ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं सारे, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, या फ़ोन उठाने काटने और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हो। AC के आगे के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, पीछे AC आपको पता ही है वैसे इसके रूफ में लगा होता है, और उसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, ये पीछे वाले AC के कंट्रोल हैं जिससे आप AC का फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से आपको डैशबोर्ड की लुक कुछ ऐसी मिलती है, देखने में मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आता है, बाकी स्पेसिफिक चॉइस हो सकती है, पर्सनल चॉइस हो सकती है। कि कंफर्ट की बात करेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट इसमें स्विफ्ट से अच्छा है थोड़ा सा, साइड आप वैसे ऊंची गाड़ी है तो थोड़ा ऊंचा बैठते हो, वैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल रहते हो। फ्रंट सीट और मिडल सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लास्ट सीट आपको पता ही है, इसको आप 5+2 कह सकते हो, हालांकि 7 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, पर बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे लास्ट के जो भी 2 लोग बैठ रहे हैं। अगर आप इसके व्यू की बात करोगे तो यहाँ से देखने पे आपको बोनट दिखेगा नहीं, तो हल्का सा जो लोग कम गाड़ी चलाते हैं, कम गाड़ी चलाई है उनके लिए इसको ड्राइव करना मुश्किल होता है। वैसे भी ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी है इसलिए आपको हल्का सा ड्राइव करना मुश्किल लग सकता है। ड्राइवर साइड की बात करेंगे तो लॉक अनलॉक है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, चारों पावर विंडो है जिनमें ड्राइविंग वाली ऑटो डाउन और ऑटो अप के फीचर के साथ आती है, अच्छी चीज़ है। चलो यहाँ लॉक अनलॉक, ठीक है, सेंटर लॉकिंग, ये पीछे से ग्लास को ब्लॉक करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, ये मिरर्स को ऑटो फोल्ड करने के लिए या अनफोल्ड करने के लिए, अच्छा ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लेफ्ट या राइट को इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सीट की हाइट का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टीयरिंग है जो वो
रीच एडजस्टमेंट नहीं है, आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो स्टेयरिंग में भी, सिर्फ स्टेयरिंग में ही, क्योंकि सीट में तो हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, सीट में सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। को ड्राइवर में एक डोर हैंडल मिलता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। सिटिंग पोजीशन में कह रहा हूँ काफ़ी अच्छी है, जो कंपनी आपको दे रही है वो खाली सीट्स दे रही है, तो अगर आपको कमर्शियल में जाना है तो भैया आपको मतलब लेदरेट या रैक्सिन जिसे हम बोल देते हैं वैसी सी सीट्स लगवानी पड़ेंगी। यहाँ पे फ्यूल और सीएनजी को स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है, ये फॉग लाइट ऑफ या ऑन करने के लिए, इसमें आता नहीं है, ये एक्सेसरी का पार्ट लगवाया गया है, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए ये हेडलाइट लेवलिंग का स्विच दिया गया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रेयर कम्फर्ट के बारे में, सिटिंग पोजिशन के बारे में। काफ़ी वाइड खुलने वाला ये डोर है, मतलब 90 डिग्री खुल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा डोर है ये। अगर आप छोटी गाड़ी से इस गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हो या आपने छोटी गाड़ी के साथ साथ इस गाड़ी को लिया है तो आपको पता चलेगा ये डोर इतना ज़्यादा लंबा है कि छोटी गाड़ियों के शायद दो डोर बन जाए इससे, ठीक है। अब मैंने ड्राइवर सीट की जो पोजीशन थी काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है, तो हम उसको पहले थोड़ा सा सेट कर देते हैं मेरी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 5.6 से थोड़ी ज़्यादा है, तो ये देखो बहुत ज़्यादा पीछे है, अभी तो मेरे पैर भी नहीं पहुँच रहे इतने पीछे हैं। अब मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया ताकि मैं क्लच ब्रेक को सही से यूज़ कर पाऊँ। अब हम रेयर सीट पे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि बुज़ुर्ग लोग हैं या घर के बड़े लोग हैं वो बैठ ही ना पाए। यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, आप इसको यूज़ करके आराम से इसमें बैठ सकते हो। मेरे बैठने के बाद अच्छा खासा मतलब लेग स्पेस मिल रहा है मुझे, ठीक है। ऊपर की साइड ये आपने एसी वेंट्स है देख ही लिए, इनके कंट्रोल्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इनका ब्लो काफ़ी अच्छा है यार, इस गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी का एसी भी काफ़ी अच्छा है, हीटर और एसी दोनों ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसको आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। सेंटर में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सारी सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है आपको, तो सेफ्टी के बारे में अब मारुति भी काफ़ी काम कर रहा है। हाल ही में स्विफ्ट की रेटिंग आई है, अभी 5 स्टार आई है, तो काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है मारुति, और ज़्यादा के साथ साथ अच्छा काम भी कर रहा है, ठीक है। ये सीएनजी मॉडल है तो आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से इसमें फायर एक्सटिंग्विशर A+, B+, C टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, ठीक है। सेंटर में आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। मतलब पर्सनली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। पीछे की सिटिंग पोजीशन है इस गाड़ी की सबसे कंफर्टेबल है, ये जो मिडल सीट पोजीशन है इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। कितना रिक्लाइन कर सकते हो मैं करके दिखा देता हूँ। इस सीट के हिसाब से इस सीट को मैं सेट रखता हूँ जहाँ ये सेट है, ये इसकी फ्रंट पोजीशन है, देखो ये फ्रंट पोजीशन है, इतना आप रिक्लाइन कर सकते हो इसको, इसको वापस लेके आ सकते हो यहाँ तक और रिक्लाइन कर सकते हो यहाँ तक, इतना रिक्लाइन कर सकते हो आप, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो के बारे में। थर्ड रो में एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, इनके बारे में बता देता हूँ यार, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये हेडरेस्ट बिल्कुल ऊपर है ना, इस पोजीशन पे है, तो ये आपकी इस शीशे की विजिबिलिटी को काफ़ी ब्लॉक करते हैं। जब आपको रोड क्रॉस करना होता है ना एक साइड से दूसरी साइड, तो ये शीशे में से जो आप पीछे की साइड देखते हो वो चीज़ों को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो इसको अगर कोई नहीं है आपके साथ तो हमेशा अंदर रखो, और कोई है भी तो उनको बोलो कि आपकी थोड़ी मदद करें जब आप रोड क्रॉस करना चाह रहे हो। पीछे एक्सेस करने के लिए यहाँ जो बटन दिया गया है उसे खींचना है बस। अब स्पेस बना नहीं, अब बनेगा, इसको आगे की तरफ धक्का मारने पे ये स्पेस बन गया। अब हम यहाँ से पीछे एक्सेस कर सकते हैं जी, ठीक है। ये दो पोजीशंस थी रिक्लाइन की, दोनों में अलग अलग सेट कर रखा है मैंने सीट को। ये कंप्लीट रिक्लाइन है, ये थोड़ी सी ठीक ठाक सी है। अब अगर आप ठीक ठाक वाले की बात करोगे तो फिर तो लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर अगर आप सामने वाली सीट को भी रिक्लाइन कर लेते हो तो आपके पास स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और लास्ट जो सीट है वो भी रिक्लाइनिंग के ऑप्शन के साथ आती है। ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है और ये रिक्लाइनिंग, आप दोनों सीटों में डिफरेंस देख सकते हो, 4-5 उंगली का डिफरेंस आ जाता है। मतलब इसको भी आगे कर दूं तो ये इसकी एक्चुअल सीट है, ठीक है, और ये रिक्लाइन सीट है। अब ये रिक्लाइंड है पूरी, अगर ये आप इसको रिक्लाइन करके रख सकते हो ना तो ज़्यादा बेहतर है कंफर्ट के लिए, बच्चे और बड़े दोनों ही। अच्छा, यहाँ सॉकेट मिलता है बाकी सारे मॉडल्स में, इसमें नहीं मिलता क्योंकि ये सीएनजी है। सीएनजी में दो ऑप्शन आते हैं, VXI और ZXI, दोनों में यहाँ आपको कोई भी सॉकेट नहीं मिलेगा। सेंटर कंसोल में आपको सॉकेट मिल जाते हैं, मैं दिखाना भूल गया शायद, ये सेंटर में प्लेस्ड है वो सॉकेट। और वापस निकलने के लिए आप यहीं से ही इसको ऊपर की तरफ उठा के सीट को आगे धक्का मार सकते हो। स्मूथली निकलने के लिए दोनों तरह के आपके पास, यहाँ भी डोर हैंडल है, वहाँ भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो,
यहाँ आके आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ग्रैब करके ही उतरना पड़ेगा। घर में अगर थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं तो वो उनके लिए पिछली सीट नहीं बनी हुई, क्योंकि ना ही तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका एक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बोतल होल्डर आपको इतने सारे मिल जाएंगे जितनों की ज़रूरत ही नहीं है। 1, 2, अगली दोनों सीट पे 3, 4, इनके पास सेपरेट, इसको कप होल्डर, बोतल होल्डर, कुछ भी बोलो आप, दोनों चीज़ें। स्टोरेज स्पेस की कहीं भी कमी नहीं है। आपको स्पीकर्स चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स जो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम ठीक ठाक से, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक सिस्टम सुनना चाहते हो तो आपको स्पीकर्स चेंज कराने पड़ेंगे या एम्पलीफायर वगैरह लगवाना पड़ेगा। लाइट के बारे में बात कर लेते हैं भी, आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, लो बीम, हाई बीम, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट थ्रो है, पर काफ़ी अच्छा थ्रो है। अगर आप ठीक ठाक ट्रैवल करते हो गाड़ी तो काफ़ी अच्छा थ्रो है। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे हमने लिया ये गाड़ी, तो ये CL नंबर, मतलब कमर्शियल नंबर, कमर्शियली चलेगी ये गाड़ी, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कमर्शियल में गाड़ी ने ज़्यादा चलना होता है तो इस लाइट का थ्रू हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे। तो आप क्या कर सकते हो, इतनी ही वोल्ट की HID में शिफ्ट करके यहाँ येलो फिल्म लगवा सकते हो, उससे थोड़ा थ्रो स्ट्रांग हो जाएगा, फोकस अच्छा हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ये टायर की बात कर लेते हैं। गाड़ी में 15 इंच के टायर आते हैं, चाहे आप बेस मॉडल लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, दोनों में ही आपको, अच्छा टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है और बेस मॉडल में आपको ये वाले व्हील कवर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इसकी ड्राइविंग और डायनामिक्स के बारे में। काफ़ी लंबी और चौड़ी गाड़ी है। इस गाड़ी में 1500 सीसी का इंजन आता है, जिसके पावर और टॉर्क के फिगर्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं। मारुति ने इस गाड़ी को हमेशा से ही कार लाइक रखने की कोशिश की है और वो अपने इस काम में सक्सेसफुल हुए हैं। ये आप जब इस गाड़ी को चलाओगे आपको कार की तरह फील होएगी, एक बड़ी गाड़ी की तरह नहीं होएगी। वैसे ये एक MUV है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, जिसको आप एज ए फैमिली कार, कमर्शियल कार, एज ए टैक्सी यूज़ कर सकते हो, पर फिर भी ये आपको कार लाइक फील होगी। इस गाड़ी के अंदर जो इंसुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। अभी मैंने गाड़ी के शीशे बंद कर रखे हैं तो आप देख सकते हो मेरी आवाज़ की क्वालिटी। मैं किसी भी तरह का कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरे फ़ोन के अंदर इनबिल्ट माइक है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो क्वालिटी अच्छी आ रही है। इसीलिए आ रही है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। सेफ्टी के नाम पे आपको जो एंटी थेफ्ट सिस्टम मिलता है मारुति का, वो इसमें भी आपको मिलेगा। नॉर्मल वाला ब्लूटूथ सिस्टम है जिसपे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, गाने चला सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाती है। कार लाइक फील का जो मतलब था वो मैं बता देता हूँ क्या है, कई लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। कार लाइक का मतलब ये दो उंगलियों से मैं स्टेयरिंग को लेफ्ट राइट कर पा रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग व्हील है, साथ में क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है। इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, अगर आप चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ। 20 के आसपास अगर आप एकदम से ब्रेक मारोगे तो गाड़ी विद इन 2 से 3 मीटर, मतलब 2-3 मीटर भी नहीं, सडन ब्रेकिंग है, पर वो ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारे के सारे पैसेंजर एकदम से आगे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके कंफर्ट को ध्यान रखते हुए ब्रेकिंग या सस्पेंशन का कुछ सेटअप किया है, वो इसको काफ़ी कार लाइक फील दे देता है। साथ में जो सारे के सारे हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, वो एडजस्टेबल मिलते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने इस गाड़ी के बारे में कुछ मिस कर दिया हो, चाहे वो इसका प्रोज है चाहे वो इसके कॉन्स है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कॉन्स जो सबसे बड़ा मुझे लगा वो ये था कि इसकी डिस्प्ले में या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहीं भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ऑन टाइम या एवरेज कितनी दे रही है ये गाड़ी, पिछले 200-500 किलोमीटर में कितनी एवरेज दी है या मौके पे कितनी एवरेज दे रही है और कितनी रेंज रह रही है, वो आपके पास कहीं भी नहीं आएगा। आपको डायरेक्टली मीटर दे दिए हैं, दो अलग अलग टैंक फुल कराओ, अपने आप कैलकुलेट करते रहो, ऐसा कुछ। ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि ये गाड़ी अगर कमर्शियल यूज़ होनी है तो पेट्रोल टैंक या CNG टैंक, आप सिर्फ पेट्रोल टैंक की एवरेज भी दे देते या सिर्फ CNG की दे देते तो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता, पर ये अब एक काफ़ी बड़ा, मतलब मेरे को तो लूप हॉल लगा जिसमें हो सकता है कोई और गाड़ी आगे निकल जाए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और होप करता हूँ कि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको किस गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए, या इस गाड़ी को जिसको हमने बिजनेस के लिए ख़रीदा है, VXi CNG ऑप्शनल मॉडल, हमने क्या सोच के ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, अगर आप इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।